अपनी जर्नी बताने के लिए जल्दी करो, इंतजार क्यों कर रहे हो? आपको मिलता है PSWST की फीस कितनी थी? फीस जो है ना वो 40 लाख पे चली गई। मेरा जो टोटल एक्सपेंस है अब 5 से 6 महीने लग जाते हैं। 2000 पाउंड अपने साथ रखना चाहिए। अपनी कितनी लग्जरी लाइफ छोड़ कर आया हूं। प्लेन की टिकट मेरी आई थी, बाद मैंने दुबई भी गया था। मेरा कंसल्टेंट कौन था? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मित्रों से नवीन द ब्रो, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। ये मजा आएगा ना। तो कैसे हैं आप सब? तो यार सीन कुछ ये है कि मैं व्लॉग बहुत लेट अपलोड कर रहा हूँ, जिसकी वजह ये थी कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सेटल होना था, फिर उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट करनी थी। खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी बेहतर हो गई हैं। वाह। और आज मैं जा रहा हूँ अपना GP रजिस्टर कराने। लेकिन मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे कि यार अपनी जर्नी बताओ, तो आज मैंने सोचा कि उसी पे व्लॉग बनाऊं। रुको जरा। लेकिन अभी जो है ना, अभी मैं जा रहा हूँ अपना GP रजिस्टर कराने। GP क्या होता है? GP ये होता है कि यहाँ पे जो मेडिकल क्लिनिक या जो भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पे कर आते हो वो यहाँ पे फ्री होती है, ठीक है। खुदा ना खास्ता अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपको चेक करवाने के लिए जाना पड़ता है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बट अगर आपने GP रजिस्टर करवाया होगा तो मेरे घर के बिल्कुल पास वहाँ पे GP है। अभी मैं जा रहा हूँ वॉक कर ही। अभी निकला तो मैं ऐसे ही नहा धोकर ऐसे ही जूती शूती पहन कर निकला है। टेम्परेचर बेहतर है आज, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, बट हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो अभी GP रजिस्टर कराने के लिए जा रहे थे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए ये चाहिए था कि उसके लिए आपको एक प्रूफ ऑफ एड्रेस, आपके पासपोर्ट की कॉपी, एक ही फॉर्म देते हैं वो फिल कर देना प्रॉपर। तो वो मैंने सारा कुछ कर लिया और आज मैं जा रहा हूँ उनके पास, देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। और फिर व्लॉग को एंड तक देखना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लो, क्योंकि एंड पे पूरी जर्नी बताऊँगा, ठीक है। हाँ तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। ये देखो ये क्लिनिक है, मतलब क्लिनिक टाइप है, हॉस्पिटल कह लो या क्लिनिक कह लो, मेरे घर से बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे है। तो अभी जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। अभी अंदर जा रहा हूँ, काम शाम करवा लूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ क्या सीन था। तो भाई मैं ये फॉर्म, ये पेपर आ गया था, बस ये फिल करूँगा। ये देखो ये होता है, ऐसे पूरा फाइल होती है, इसको ना आपने फिल करना होता है। तो बस ये फिल करते हैं और उसके बाद इनको सबमिट करवाएंगे, फिर आपका भाई उसके बाद हो जाता है क्या सीन है। हो भाई हो गया, मैंने कहा था ना 5 से 10 मिनट लगेंगे और आपका भाई जल्दी फ्री हो गया। GP रजिस्टर करा दिया, उसने बोला है कि आपको अब एक पोस्ट आएगी, उसके ऊपर कन्फर्मेशन हो जाएगी, आपका NHS नंबर सब कुछ मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा रजिस्टर हो गए, और फिर आप जदो मर्जी बीमार हो आ जाओ। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं, आ जाओ। लेकिन यार यहाँ का जो वेदर है ना, देखो अभी 5 मिनट पहले बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई भी है, और आपके भाई ने अब दौड़ लगानी है घर, क्योंकि घर जाना है। अच्छा तो देखो मेरे घर के पास ये मार्केट भी है, ये भी स्टोर है, ये भी स्टोर है, और ये कटिंग वाली शॉप है, और वो जहाँ पे आंटी जा रही है ना वो मेरा घर है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा अपना हाउस टूर भी दे देता हूँ, क्योंकि आपके भाई ने रूम साफ किया हुआ है, तो वो भी दिखा देता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे, अकोमोडेशन का क्या सीन है। वैसे मैंने पहले लास्ट व्लॉग में भी सब कुछ बता दिया था, बट आज दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। तो अभी चलते हैं घर, मतलब पहुँच भी हूँ, देखो पहुँच गया। ये मेरा घर है, इसको करते हैं लॉक। ये देखो एक ये रूम है, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास किचन, वो थोड़ा लॉन्ड्री एरिया है, बाहर लॉन्ड्री नहीं खैर वैसे ही बाहर का एरिया, स्टोर टू टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे भी फ्रिज है, और ये हमारे पास नीचे चली जाती है बेसमेंट, ठीक है। और अभी चलता हूँ आपको अपने रूम की जाने। ये देखो यहाँ से ऊपर मैंने सोचा है आपको ना सारा हाउस टूर भी दे देता हूँ इसके साथ। ये वॉशरूम है, आपका भाई नहाता है यहाँ पे फुल। एक ये वॉशरूम है, एक ये रूम है, और एक ये मेरा रूम है। अभी इसको करते हैं टन टना। ये है आपके भाई का रूम, बेड है, ये टेबल है, यहाँ पे मैं मोस्टली खाना खाता हूँ, जाय नमाज है, ये मेरा सोफ़ा, और ये बाहर से मेरे रूम का व्यू है, ठीक है। और ये सारा सीन है, और अब आपको डिटेल से बताता हूँ कि भाई की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसी हुई, क्या हुआ। चलो आ जाओ। हाँ तो भाई आपका आ गया आपको अपनी जर्नी बताने के लिए। बताना भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ऐसा व्लॉग पहले कभी नहीं बनाया कि मैं स्टिल खड़ा होकर तो आपको सारी चीजें बताऊं, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही थी कि यार हमें बताओ अपनी
पूरी जर्नी बताओ, जिसकी वजह से सबसे पहले तो यार मैं व्लॉग इसलिए नहीं बना रहा था कि देखो एक जगह आते हो आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मुझे अभी सारी चीजें फेस करनी पड़ी थी जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बिल्कुल क्विट कर दिए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब चीजें बहुत बेहतर जा रही हैं, सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैक पर आ रही हैं। तो अब मैंने सोचा कि यार अब मैंने आपके लिए डेली व्लॉगिंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को नहीं दबाया हुआ तो वो दबा दो, क्योंकि फिर ही आपका भाई आपको सारी जर्नी बताएगा, अदरवाइज नहीं बताएगा। अभी तक नहीं किया हुआ, जल्दी करो, इंतजार क्यों कर रहे हो? और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से आपके भाई ने आप सबके क्वेश्चंस एक नोटपैड पे मैंने लिख लिए हैं सारे, जो जो मेरे से पूछे जा रहे थे, आपकी यूसीपी में डिग्री कौन सी थी, नॉर्थहैम्पटन में डिग्री क्या कर रहे हो, आपका कंसल्टेंट जॉब, अकोमोडेशन फीस, टोटल एक्सपेंस, इंस्टॉलमेंट, कल्चर शॉक, होम सिकनेस वगैरह, सब ईच एंड एवरीथिंग मैंने नोटपैड पे लिख लिया है। और अब आपको मैं बताता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाने वाला है कि भाई बहुत देर से पूछ रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि आपने यूसीबी से कौन सी डिग्री ली थी, जो मेरी बैक प्रीवियस यूनिवर्सिटी या प्रीवियस डिग्री है वो कौन सी थी। मैंने यूसीपी से मैथ्स कम्युनिकेशन किया था, 4 साल का बैचलर्स, ठीक है, 2018 से स्टार्ट किया था और 2022 में ख़त्म हो गया था। ये मेरी यूसीपी की जर्नी थी। फिर मैंने सोचा, मैंने देखा कि यार हालात नहीं है यहाँ पे रहने वाले, हमें कहीं दूसरे मुल्क जाना चाहिए, बस आवारा गर्दी पे फोकस रखना। मैंने थोड़ी रिसर्च वगैरह की, इधर उधर देखा, मेरे थोड़ी फैमिली रिलेटिव्स वगैरह सब यहाँ पे थे यूके में, तो मैंने जरा हाउ नो ली, तो मैंने कहा चलो भाई यूके का प्लान करते हैं। आपके भाई ने हर चीज छोड़ी, अपना हर चीज जो भी पाकिस्तान में चल रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ कर हम आए यूके। अब हम यूके किस यूनिवर्सिटी में आए, हमने लिया यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में एडमिशन। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में हमने किस डिग्री में एडमिशन लिया, मेरी डिग्री है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन में MSc इंटरनेशनल मार्केटिंग। मेरी फील्ड से रिलेटेड ही थी, क्योंकि मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में किया पब्लिक रिलेशन से उठकर मैं आया। हाँ, अपनी डिग्री जो है ना वो थोड़ी अपने हिसाब से रखना, जो आपकी बैक पर डिग्री होगी ना, प्रीवियस डिग्री, उसी से रिलेटेड रखना, एवं कोई इधर आके कोई फजूल डिग्री ना कर लेना, ताकि इतने पैसे दे रहे हो तो कल को उसका कोई फायदा हो, आप सीख सको, पढ़ सको, ठीक है। ये हो गए 2 questions, ठीक है। उसके बाद है जी कंसल्टेंट, ये मैं सबसे एंड पे बताऊंगा ताकि वीडियो को एंड तक देखो आप, ठीक है। हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है, अब मेरी जो मास्टर की डिग्री की ड्यूरेशन है वो कितनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 साल का मास्टर होता है यहाँ पे, 1 से 1.5 साल लग जाता है आपको डेजर्टेशन वगैरह करते करते, 1 या 1.5 साल का होता है, और आपका वीज़ा 16 मंथ का लगता है। सबसे पहले आपका वीज़ा लगता है 16 मंथ का, उसके बाद जब आप 1 साल की डिग्री कंप्लीट कर लेते हो आपको मिलता है PSW 2 साल का वीज़ा, ठीक है, याद रखना पॉइंट, लिख लेना। और मेरी अब डिग्री खत्म होगी 2024 में, ठीक है, उसके बाद मेरा PSW स्टार्ट हो जाएगा, अगला 2 साल का वीज़ा, वो भी आपको बाद में बताऊंगा फिर किसी में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है जॉब, नहीं बल्कि उससे पहले आपको अकोमोडेशन बता दूं, अकोमोडेशन का क्या सीन है भाई। अकोमोडेशन का जब मैं आया था इतना डेड सीन था कि मिलना बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल हुई हुई थी मिलना, अकोमोडेशन मिल ही नहीं रही थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थोड़े अपने रिसोर्सेज, लिंक वगैरह, मेरे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने ही खैर ये वाली अकोमोडेशन मुझे ढूंढ कर दी। शुक्र है भाई उनका भी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अच्छी अकोमोडेशन मिल गई है, नहीं तो यहाँ पे जो रेट चल रहे थे ना, लोग इवन यहाँ पर आकर सबसे पहले आने से पहले यार अपनी अकोमोडेशन और अपनी जॉब का कर आना, अदरवाइज यूके ना आना, ठीक है। अकोमोडेशन मेरे तो खैर रिलेटिव्स थे, मुझे इतना इशू नहीं था, मैं उनकी तरफ रह रहा था, मैं 1-2 महीने भी रह सकता था, मुझे कोई मसला नहीं था। बट एट द एंड मुझे अपनी अकोमोडेशन में आना था, तो मैंने फिर खैर ऑलमोस्ट आधा महीना रहूं मैं, उसके बाद मैंने अपनी अकोमोडेशन ढूंढकर मैं फ़ौरन आ गया था, क्योंकि ये मेरी यूनिवर्सिटी भी स्टार्ट हो गई हुई थी, और आया मैं यूनिवर्सिटी से 1 महीना पहले था, स्टार्ट होने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले ही आ गया था 1 महीना, कि मैं जाकर अपनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकूं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी बेहतर हुई हैं, बट इतनी बेहतर नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद जॉब का यार यहाँ पे शायद जो लोग सितंबर जून में आते हैं उनके लिए इतना इशू नहीं है। कहते हैं कि जो जनवरी में आते हैं ना, जनवरी इनटेक, और जो मैंने फेस किया है वाकई इस इनटेक में बहुत मुश्किल होती है जॉब्स का, बहुत मुश्किल है। अभी भी मुझे जॉब नहीं मिली हुई, दुआ करना, मुझे अभी 2 महीने हो गए, मैं 17 जनवरी को आया था और आज मेरे ख्याल से 20 मार्च है, 2 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया और अभी तक मैंने जॉब नहीं मिली। एक जगह अप्लाई किया हुआ है, मे भी अब वहाँ पे उम्मीद है मिल जाए, दुआ करना मिल जाएगी, ठीक है। ये सीन हो गया, हाय बड़ा बोलना पै रहा है भाई,
थक जाऊंगा मैं तो ऐसे यार, मुझे तो लगता है आप लोगों को डेली का कोई इस तरह का ना अलग अलग व्लॉग बना कर देना चाहिए, बट ऐसा मेरा कंटेंट नहीं है इसलिए सारी चीज़ें मैं आज ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जॉब इसमें चल रहा होता है इनका रिसेशन, ठीक है, जो गोरे होते हैं ना वो याशियाँ यूशियाँ करके क्रिसमस क्रिसमस में न्यू ईयर पे करके अपने पैसे खत्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से जनवरी फरवरी में बिल्कुल कंगले हुए होते हैं, जॉब कुछ भी नहीं होती, तो इसलिए जॉब का थोड़ा इशू होता है जनवरी इनटेक के लिए। बट डिपेंड करता है आपकी लक पे, आपके रिसोर्सेज पे, हो सकता है मिल जाए आपको पहले मिल जाए, आपके दोस्त दोस्त हैं आपको फॉरन ढूंढ कर दे देंगे, बट अभी यहाँ पे जितने बच्चे आए हुए हैं मेरे साथ जो आए थे, जितने मेरे दोस्त हैं क्लासमेट हैं, सबको सब जॉबलेस हैं, अभी किसी को भी नहीं मिली हुई रिसेशन की वजह से। बट जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में जॉब स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये हो गया जॉब का। फीस, मेरी यूनिवर्सिटी की फीस कितनी थी, मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस थी ना वो थी जब मैंने अप्लाई किया था 15,500 pounds, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं उस टाइम कोई टोटल अराउंड 26-27 lakh बन रहे थे, बट अभी पाउंड का रेट 350 या 335-340 something चल रहा है, मुझे पक्का याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है काफ़ी देर पहले। अच्छा, ये पाउंड का रेट चल रहा है जिसकी वजह से फीस जो है ना वो 40 लाख पे चली गई है, ठीक है, एकदम जंप की है सिर्फ पाउंड की वजह से। मेरी अब ये थी, मुझे स्कॉलरशिप दी उन्होंने 5,500 pounds की, मुझे उन्होंने नहीं 5,000 की उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, पीछे मेरी रिमेनिंग रह गई 10,500, जिसमें से मैं 5,000 इनिशियल डिपॉजिट करवा कर आया और 5,500 मैंने अब यहाँ पे करनी है। कैसे करनी है कुछ पता नहीं, उसकी जर्नी आपको बाद में शेयर करूँगा। ये था फीस। अच्छा, सिटी मेरी जो है ना वो नॉर्थहैम्पटन में ही मैं रह रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन ही मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। मेरा जो टोटल एक्सपेंस है, अब आ गया टोटल एक्सपेंस मेरा जो आया था ना वो आया था अराउंड 24 lakh, ठीक है, 24 lakh इस तरह आया था कि मेरी जो सारी, उस टाइम तो पाउंड का रेट बहुत कम था, मेरे 12,79,000 फीस, 5,000 इनिशियल डिपॉजिट जमा करवाया था, जो कि अब के रेट पे 17 lakh हो गया, मतलब 5 lakh का बूस्ट हो गया, ठीक है, जंप लग गया 5 lakh का, मतलब 5 lakh का जंप लग गया, ये सीन हुआ। हाँ, फीस जमा करवाई, फिर टीबी टेस्ट करवाना होता है, आइट्स की फीस देनी होती है, कोचिंग की फीस दी थी, ठीक है, इस तरह करते करते ना मेरा कोई 17-18 lakh वो बन रहा था, और मैं बैकअप जो पैसे साथ लेकर आया था वो मैं लेकर आया था 1500 pounds। आप लोगों को वो भी बताता हूँ कि आप लोग कितने कैरी करना साथ, ठीक है, 2000 pounds क्यों कैरी करो साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप आते हो एक जगह पे, अगर अकोमोडेशन नहीं मिलती, ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाते हो, अकोमोडेशन नहीं बुक करवाते ऐसे ही आ जाते हो, लेकिन अगर तो आपके रिलेटिव्स हैं फिर तो इजी होकर आओ, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन देख लेना सपोर्ट करते भी हैं कि नहीं करते। और अगर आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती और आप आते हो तो यार यहाँ पे होटल में रहना पड़ता है, यहाँ कुछ लोग इस तरह भी मैंने बच्चे देखे हैं जो बेचारे मस्जिदों में सोए हैं और एक एक दो दो तीन तीन दिन वहाँ गुजारे हैं उन्होंने, क्योंकि वो पैसे बहुत कम लेकर आते हैं। इसलिए 2000 pounds यार, मिनिमम 2000 pounds लेकर आओ, 2000, मैं तो खैर 1500 लेकर आया था, लेकिन मेरा एक मंथ तो ऐसे ही गुजर गया ना, मेरे पैसे खर्च ही नहीं हुए, तो 2 महीने में मैंने 1500 pounds भी, मेरा 2 महीने में 1500 pounds लग गया, क्यों, क्योंकि मेरी जो अकोमोडेशन है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रूम बहुत अच्छा मिला हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरी दोस्तों की अकोमोडेशन है सारों की देखी है ना, छोटे छोटे रूम है और रेंट उनका 500-600, और वो भी कंबाइन दो लोग रहते हैं शेयरिंग पे, और मैं अभी अकेला रह रहा हूँ इस अकोमोडेशन में, बिल्कुल अकेला रह रहा हूँ, आपने मेरा रूम भी देखा है, बहुत बड़ा रूम है अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लगाना भाई के लिए, दुआ करना। अच्छा, तो मेरी जो अकोमोडेशन है ना वो 400 pounds में है, ठीक है, 400 pounds में पे कर रहा हूँ इस अकोमोडेशन का, लेकिन मैं सेटिस्फाई हूँ क्योंकि मुझे हर चीज़ मिली हुई है इसके अंदर, हर चीज़, फ्रिज भी मेरी अंदर पर्सनल फ्रिज है, तो ये अकोमोडेशन है। लेकिन आपको मैं, खैर ये बातें आपको बताने का मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आप अपनी अकोमोडेशन का मिनिमम जो रेट है ना वो 350-400 pounds पर मंथ आपको पड़ सकता है, 350 तब अगर आप शेयर करते हो, 400 या 450 तब अगर आप सिंगल रहते हो। तो खैर मैं तो अभी आया था तो मेरे इतने दोस्त दोस्त नहीं थे इस साइड पे, तो जिस वजह से मैंने अकेले ही अकोमोडेशन ली, हो सकता है इन फ्यूचर मैं चेंज कर लूँ या कहीं और चला जाऊँ, बट मैं यहाँ पे भी सेटिस्फाइड हूँ। तो ये सारा सीन है। मेरे ख्याल से ना, मेरे ख्याल से आप लोगों को कम अज़ कम 2000 pounds अपने साथ रखना चाहिए, कम अज़ कम बता रहा हूँ, ज़्यादा कर सकते हो तो कर लो, बट कम अज़ कम 2000 pounds अपने साथ कैरी कर कर आना, अदरवाइज रुल जाओगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डीमोटिवेट मैं किसी एंगल पे नहीं कर रहा आपको कि आप डीमोटिवेट हो, आओ यार आओ, मैं देखो मैं अपनी कितनी लग्जरी लाइफ छोड़ कर आया हूँ, क्यों कि
उस लग्जरी लाइफ को छोड़कर मैं आगे की उससे जो आगे वाली लग्जरी लाइफ आएगी उसको बेहतर कर सकूं, इस वजह से मैं आया हूं, ठीक है। और आप लोग भी आओ यार, जरूर आओ, ठीक है। अपना फ्यूचर सिक्योर करो, अपना फ्यूचर, फ्यूचर पे अपने गोल सेट करो, अपना फ्यूचर सिक्योर करो और जरूर आओ। हाँ, और एक और क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी आने के लिए आईएलटीएस चाहिए होता है या कौन सा आपको टेस्ट चाहिए होता है? देखो, डिपेंड करता है, आपने सबसे पहले अपनी रिसर्च करनी है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में जाना है। वहाँ की यूनिवर्सिटी के ऊपर जब आप वेबसाइट पे जाओगे ना, उनका एक प्रॉपर क्राइटेरिया आ रहा होता है कि हमारे इस क्राइटेरिया को मीट करो तो आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। इतना मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी रिसर्च करो, पहले देखो जाना किस साइड पे है, वहाँ पे यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में जाना है वो देखो, और उसके बाद उसका क्राइटेरिया पढ़ो। उसके अंदर उन्होंने आइट्स, पीटी, लैंग्वेज सेट, डिलिंगो, ये टेस्ट दिए होते हैं, तो इनमें से कोई भी एक टेस्ट पकड़ो, करो और आ जाओ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आइट्स करो। आइट्स करोगे ना तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आ जाएंगी और इधर आकर आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आती होगी तो कुछ कर पाओगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया मेरा टोटल एक्सपेंस, 24 लाख का मैंने आपको एक्सपेंस बताया जो था मेरा, बट 24 मैं ज़्यादा बता रहा हूँ अभी मैंने, क्योंकि उसको अभी काउंट ही नहीं किया, लेकिन मेरा जो लगे थे ना, एक्चुअल में पैसे लगे थे वो कोई 16-17 लाख लगे थे, ठीक है, इतने मुझे याद हैं कि इतने मेरे लगे थे हर चीज़ में। अच्छा, ये चीज़ें हो गई साइड पे। अगर ये भी डिटेल में जाना है ना कि किस किस चीज़ पे लगे थे, क्या क्या करना पड़ता है, तो वो भी मुझे बताना, मैं उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी सिर्फ रफली हर चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है, उसमें भी बना दूंगा। टोटल एक्सपेंस हो गया, फिर उसके बाद इंस्टॉलमेंट। यूनिवर्सिटी यहाँ पे आके आते हो, जब आप 5000 अपना इनिशियल डिपॉजिट कर आते हो, यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर आकर दो इंस्टॉलमेंट देती है। मेरी यूनिवर्सिटी की ये सिचुएशन है, दूसरों की मुझे आइडिया नहीं है। वो डिपेंड करता है, अगर आप दो में दे दो या अगर आप उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट वगैरह करो तो वो तीन कर दें, ठीक है। जो आपकी रिमेनिंग होगी उसको डिवाइड कर लेना 2 पे या 3 पे, वो आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद कल्चर शॉक, यहाँ पे कल्चर शॉक लगता है बट पैसेज ऑफ टाइम आप सेट हो जाते हो, सारी चीज़ें आपकी सेट हो जाती हैं। होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरा जो टाइम था ना, खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जब पाकिस्तान से आया, मुझे ऐसा लगा मैं उस घर से निकला और यहाँ पे रिलेटिव्स की तरफ गया, उन्होंने मुझे इस तरह रखा कि यार जैसे वो मेरी माँ बाप ही हैं, तो मतलब मुझे इतना फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगा एक घर से निकला और दूसरे घर में आ गया हूँ, ठीक है, ये सीन हुआ था मेरे साथ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा फील नहीं हुई ये चीज़ें, ठीक है। बट आप लोगों को होगी, अगर आपकी कोई है रिलेटिव्स तो यार ज़रूर आओ, मैं मना नहीं करता, क्योंकि आपको पता पाकिस्तान के क्या हालात हैं और वहाँ की इकॉनमी और यहाँ की इकॉनमी में बहुत फ़र्क है, तो आओ पैसे कमाओ, अच्छे पैसे कमाओ, बन जाते हैं, बट एक टाइम लगता है। किसी भी नए शहर में जाओगे, किसी भी नए मुल्क में जाओगे, आपको टाइम लगेगा सेटल होने में, और वो टाइम 5-6 महीने लग जाते हैं, ठीक है, और वो मुझे भी लगेंगे, मेरे 3 महीने हो गए स्ट्रगल करते हुए, मतलब मैंने बहुत जॉब ढूंढी है बट नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह मिल जाएगी, आपने ना उम्मीद कभी नहीं होना, ठीक है। और हाँ, मेरा जो एक्सपेंस था उसमें टिकट भी थी, टिकट प्लेन की टिकट भी थी, प्लेन की टिकट मेरी आई थी 1,22,500 रुपये की, ठीक है, 1,22,500 टिकट, प्लेन टिकट, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने दुबई भी गया था, दुबई का वीज़ा लिया था, इस वजह से थोड़ा एक्सपेंस मैंने ज़्यादा किया था, वो खैर वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपने जाना है करो, नहीं करना ना करो। तो ये सारी थी मेरी जर्नी, और बहुत इजी होता है। अब आता हूँ मैं कंसल्टेंट पे, मेरा कंसल्टेंट कौन था पहले, खैर मेरा कंसल्टेंट कोई और था बट मुझे थोड़ा ट्रस्ट इशू हुआ, मैंने अपना कंसल्टेंट चेंज किया, वो है स्कैंस कॉलेज, आपने देखा होगा लाहौर में बरकत मार्केट, स्कैंस कंसल्टेंसी से उनका नाम भी है, ठीक है, मुख्तार भाई होते हैं, मैं यहाँ पे नीचे नंबर भी उनका मेंशन कर दूंगा, उनका मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, तो आप अगर आप आना चाहते हो तो बहुत ही वो नाइस बंदे हैं, बहुत नाइस बंदे हैं, अगर आप अपना काम करवाना चाहते हो तो उनसे मस्त कराना, हाईली रिकमेंडेड, आपका एक रुपया भी ज़्यादा नहीं लेंगे, और भाई के अगर रेफरेंस से चले जाओगे ना तो हो सकता है आपको डिस्काउंट भी दे दें, उनकी जो कंसल्टेंसी फ़ी है ना उसमें आपको डिस्काउंट दे देंगे, अगर भाई का नाम भी ले लोगे जाकर, कहना व्लॉग देख कर आया तो फिर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जाओ, मुझे पता नहीं है वो देंगे नहीं, लेकिन अगर आप इतना कह दोगे ना, मुझे इतना उन पर ट्रस्ट है, वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो वहाँ से अगर कोई मशवरा करना है, कुछ भी करना है, उनके पास चले जाना, मैं नंबर भी मैंशन कर दूंगा, लेकिन ज़्यादा तंग नहीं करना उनको। ये हो गया दूसरा आइट्स की मैंने कोचिंग की थी, मैम थी मेरी, मैम विजया, उनका भी नीचे मैं नंबर मेंशन कर देता हूँ, अगर उनसे भी आपने कोई रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आइट्स से रिलेटेड तो आप उनसे भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारा सीन था, पता नहीं अब आपने सारा व्लॉग देखा है कि नहीं देखा,
मैं तो बोल बोल के थक गया हूँ। तो खैर ये सारा सीन है, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, और बेल आइकन के बटन को भी दबाना। वैसे तो मेरा ये कंटेंट नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ें बताऊं, लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे, इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। बट इन फ्यूचर अगर फिर भी कोई क्वेरी हुई कि मतलब आइट्स किस तरह करना है, आइट्स की प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आपने टेस्ट टीबी टेस्ट कहाँ से करवाया था, ये वो ईच एंड एवरीथिंग जो डिटेल्स हैं, शॉर्टकट क्या है, किस तरह आना है, कितना पैसे मैनेज करने हैं, किस तरह हर चीज़ मैनेज करनी है, किस तरह देखें हमारे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, तो कमेंट में पूछ सकते हो। खुली ज़्यादातर कमेंट खुले ही आपके लिए हैं, तो वो भी पूछ लेना, वो भी आपका भाई हाजिर है एवरी टाइम, एनी टाइम आपका भाई आपको हाजिर है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए था जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रहा था, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ आप लोगों से। बट अब इंशाल्लाह आपका भाई फुल मोटिवेटेड है और डेली का एक ना एक व्लॉग आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। तो ये सारे सीन है, दुआ करना भाई के लिए, दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।